नमस्ते दोस्तों मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में आज तीज फेस्टिवल है तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से तीज फेस्टिवल की ढेर सारी शुभकामनाएं एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था आशु नेमा जी का सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए आशु नेमा जी का कमेंट्स ये था कि कैसे हम पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग करेंगे ए टू जेड प्रोसीजर वो जानना चाहते हैं तो आज वीडियो इसी पे होने वाला है इसी टॉपिक पर होने वाला है कि पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग प्रॉपरली कर पाएंगे आगे पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी ऑलवेज ऑलवेज हो, होती है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए जितना हो सकता है मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं उसको प्रेस करके उसको हिट करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ तो मुझे आप सभी लोग के सपोर्ट की ज़्यादा जरूरत है आप चाहें तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड टैली से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कीजिए डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको बहुत करूँगी आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा इस इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो चलिए देखते हैं कैसे हम पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग करेंगे देखिए ये डिटेल मैंने प्रिपेयर किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो ऑयल कंपनी से पेट्रोल या फिर डीजल परचेज़ करके सेल करते हैं उस टाइप की बिज़नेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं तो इस टाइप के बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है इंडियन ऑयल हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के नेम है आपने सुना भी होगा इसके आउटलेट्स एंड फ्रेंचाइज भी आपने देखे होंगे तो बहुत सारी कंपनियाँ क्या करती हैं कि इनके फ्रेंचाइजेस लेके पेट्रोल एंड डीजल्स लुब्रिकेंट इन सारी चीज़ों को सेल आउट करते हैं और परचेस किससे करते हैं ये ऑयल कंपनी से परचेज़ करते हैं पेट्रोल डीजल एंड लुब्रिकेंट सेल किसको करते हैं देखिए सेल्स ये कैश में भी सेल करते हैं क्रेडिट कार्ड के भी थ्रू सेल्स करते हैं और क्रेडिट पे भी ये सेल करते हैं जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े बल्क में ये सेल करते हैं ट्रक वालों को बड़ी बड़ी कंपनीज को भी सेल क्रेडिट पे ये सेल भी करते हैं देखिए गेटवे ऑफ टैली से आपको एफ इलेवन प्लेस करना है यहाँ पे आप स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन को येस करेंगे जी डिटेल है उसको यस करके सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स यहाँ पे जो पूछ रहे हैं आपको सारा फिलअप करके इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है एक्सेप्ट करने के बाद टैक्सेशन वाला ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है अब हम यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेंगे बेसिक्स लेजर तो सबसे पहले मैं हमें वो लेजर क्रिएट करना है जिससे हम परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर हमें क्रिएट करना है पेट्रोलियम कंपनी उस लेजर को मैं क्रिएट कर ले रही हूँ संडरी क्रिएटर्स के अंडर में आएगा एड्रेस वगैरह सारा जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ आप फिल करके इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेज वाला ये परचेज़ लेजर का हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो परचेज़ मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है आपको शो कर रही हूँ मैं नेम ये परचेज़ में जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल होगा और इस तरीके से सेकेंड लेजर ओपन कर लिया है थर्ड लेजर हम ओपन कर लेंगे टैक्स वाली आई की तो आई का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए ड्यूटी एंड टैक्सेस में इंटागेटेड टैक्स के अंडर आएगा ये तो इस तरीके से थर्ड वाली लेजर भी क्रिएट हो चुकी है अब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे हम और फिर वहाँ से जाने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इस ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए अब देखिए यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे मेरे पास क्रिएट है इसलिए मैं आपको एल्टर मिचा के दिखा रही हूँ सिंबल आप लेटर रखेंगे एल टी आर फॉर्मल नेम जो है वो लीटर रखेंगे एंड यहाँ पे देखिए यू क्यू सी आपको शो हो रहा है यू क्यू सी आपको रखना है के एल आर किलोमीटर्स किलो तो इस तरीके से ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का भी लेजर क्रिएट हो गया है अब हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम का लेजर स्टॉक आइटम में हमें पेट्रोल का क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो देखिए पेट्रोल का मैं आपको शो कर रही हूँ नेम में पेट्रोल आएगा अंडर ये प्राइमरी यूनिट्स में लीटर हम चूज करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल होगा जीएसटी में इसमें यस प्रेस करके डिस्क्रिप्शन में पेट्रोल डाल देंगे हम एंड एच एस एन कोड फिल करेंगे इज़ नॉन जीएसटी गुड्स यहाँ पे आपको एफ ट्वेल्व प्रेस करना है सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए सेट टाइप ऑफ़ गुड्स इसको आपको यस करना है क्योंकि इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा इसलिए हमें इस ऑप्शन को यस करके इसको आप एंटर प्रेस करके टाइप ऑफ गुड्स पे गुड्स आप कर लीजिए सेकेंड इसी तरीके से हम डीजल्स का भी क्रिएट कर लेंगे डीजल्स नेम आएगा अंडर आएगा प्राइमरी यूनिट्स में लीटर ले, ले लेंगे सेट जी डिटेल्स को यस करके सारी डिटेल फिल कर लेंगे जी गुड्स को इसको नो रहने देंगे और इस तरीके से इसे भी हम एक्सेप्ट करते हुए लेजर क्रिएट कर लेंगे स्टॉक का देखिए डीजल का भी हमने लेजर क्रिएट कर लिया है इसी तरीके से हम लुब्रिकेंट का भी हम क्रिएट कर लेते हैं लुब्रिकेंट के अंडर में देखिए इंजन ऑयल आता है ग्रीस आता है तो अगर आप चाहें तो अलग अलग करके भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो एक कॉमन लेजर भी इस तरीके से स्टॉक का क्रिएट कर सकते हैं अब इसमें देखिए जी अप्लाई होता है तो इसमें देखिए नॉन जी एस अप्लाई तो इसको आपको नो ही रखना है यहाँ पे देखिए ऑन टैक्सेबल रखना है टैक्सेबल आपको रखना है टेक्सीबिलिटी में यहाँ पे एटीन परसेंट चूज़ करते हुए गुड्स चूज़ कर लेंगे आप और इस तरीके से इस पर टेक्स अप्लाई करके आपको इस पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो इस तरीके से हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया है हमें देखिए मल्टीपल गोडाउन भी मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे गेट ऑफ टेलिस एफ एलेवन प्रेस करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको मेंटेन मल्टीपल गोडांस दिख रहा है इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है तो इस तरीके से आपका मल्टीपल गोडाउन वाला ऑप्शन एवलेबल हो चुका है इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए अब देखिए यहाँ पे हमें ना गोडांस क्रिएट करने हैं तो गोडांस पे जाके क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे टैंक वन टैंक टू टैंक थ्री टैंक फोर इस तरीके से आप गुडान क्रिएट कर लीजिए ये हम गुडान इसलिए क्रिएट करेंगे जैसे कि हम जब परचेस करेंगे तो हम वहाँ पर हमें अगर सपोज़ कीजिए गुडान वन टैंक वन में रखना है तो हम टैंक वन चूज़ करेंगे टैंक टू टू चूज़ करेंगे तो इस परपज़ से हमने ये गुडान को हमने क्रिएट किया है मल्टीपल गुडान को तो चलिए हम एक परचेज़ की एंट्री करके देखते हैं यहाँ पर डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए पार्टी नेम हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे पेट्रोलियम कंपनी परचेस सेलेक्ट कर लेते हैं नेम ऑफ आइटम पेट्रोल ले लेते हैं देखिए अब आप हमने जो ऑप्शन को इनेबल किया था इसीलिए किया था अब यहाँ से आपको गुडान पूछ रहा है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप टैंक वन में रखना चाहते हैं टैंक टू में रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम टैंक वन सेलेक्ट कर लेते हैं क्वान्टिटी वन थाउजेंड लीटर ले लेते हैं रेट इसका ले लेते हैं सेवेंटी रुपीज़ इसी तरीके से डीजल हम जैसे हम डीज़ल चूज कर रहे हैं देखिए अगेन गुड़ान पूछ रहा है तो हमें ये टैंक टू में रखना है तो हम टैंक टू सेलेक्ट करेंगे फिर इस तरीके से क्वांटिटी आप डाल दीजिए वन थाउजेंड लीटर और यहाँ पे आप रेट फिलअप कर दीजिए जो भी आपका रेट है मैं फ़िफ्टी रुपीज़ के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ तो इस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो गई है देखिए इस पार्टी का लेजर ओपन करके हम देखते हैं जो हमने एंट्री की थी वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है इस तरीके से अगर आप प्रिंट प्रीव्यू भी देखना चाहेंगे तो एल्ट पी प्रेस करके आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी रेट में यहाँ पे आपको जीरो जीरो शो हो रहा है क्योंकि हमने इस पर जब आइटम क्रिएट किया था उस टाइम अपने जीएसटी रेट नहीं डाला था तो सेकेंड लेजर हम सेकेंड एंट्री हम करके देख लेते हैं यहाँ पे डेट आप डाल दीजिए यहाँ पे सेम पार्टी हम चूज़ कर लेंगे पेट्रोलियम कंपनी परचेज़ लेजर चूज़ कर लेंगे यहाँ पे नेम हम ये सपोज़ कीजिए हमने परचेज़ किया है लुब्रिकेंट तो लुब्रिकेंट परचेज़ किया है अगेन गुडान पूछ रहा है तो हम गुडान टैंक थ्री चूज़ कर लेते हैं वन थाउजेंड लीटर यहाँ पे टू हंड्रेड रुपीज़ के रेट से लेंगे और इस पर हम आईजीएसटी अप्लाई करेंगे एटीन परसेंट तो देखिए यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट कर लिया है टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है टू लैक्स रुपीज़ पर एटीन थाउजेंड जो है टैक्स लग के थर्टी सिक्स थाउजेंड इस देखिए टैक्स अप्लाई हुआ है तो इस तरीके से आप लुब्रिकेंट परचेज़ करेंगे तो इस तरीके से उसकी एंट्री करेंगे टैक्स के साथ अब देखिए इसका हमने दो परचेज़ का एंट्री किया है अब एक पेमेंट की एंट्री करके इसके अकाउंट को हम नील कर देंगे पेमेंट की एंट्री हम कर देंगे यहाँ पे पार्टी नेम डेबिट हो जाएगा एट लैक सिक्स थाउजेंड अगेंस्ट रेफरेंस हम दोनों इन्वाइस ले लेंगे जो हमने अभी एंटर किया है और हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट हो जाएगा तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो चुकी है बैंक नेम नहीं क्रिएट है तो मैं बैंक का लेजर क्रिएट कर लेती हूं बैंक क्रिएट हो चुका है और इस तरीके से पेमेंट की एंट्री हो गई है अब देखिए इसका अकाउंट नील हो चुका है सेल हमने दो परचेज की एंट्री की थी उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की एंट्री कर दी तो इसका अकाउंट नील हो चुका है अब देखिए अगर आपको स्टॉक देखना है सेम तो आप गेटवे ऑफ टैली से यस प्रेस करेंगे तो देखिए डीजल का यहाँ पे शो हो रहा है वन थाउजेंड लीटर हमने परचेज़ किया था लुब्रिकेंट हमने परचेज किया था वन थाउजेंड लीटर टू हंड्रेड रुपीज़ के रेट से पेट्रोल हमने परचेज़ किया था वन थाउजेंड लीटर सेवेंटी रुपीज़ के रेट से तो चलिए हम सेल की एंट्री करके देख लेते हैं हम पार्टी को अगर किसी पार्टी को क्रेडिट पे पेट्रोल पे सेल कर रहे हैं तो उसका हम कैसे करेंगे एल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे आप लेज़र क्रिएट कर लीजिए अंडर डेटर्स के आप लेज़र क्रिएट करेंगे लेजर क्रिएट करते ही फिर उसके बाद ये सेल्स लेजर में सेल्स चूज करेंगे यहाँ पे आप नेम ऑफ आइटम है तो यहाँ पे पेट्रोल आप चूज़ कर लीजिए पेट्रोल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप आपको गुड़ान पूछ रहा है तो टैंक नंबर वन से हमें सेल करना है टैंक नंबर वन सेलेक्ट कर लेंगे हंड्रेड लीटर हमें सेल करना है सेवेंटी फाइव रुपीज़ के रेट से सेकेंड हम डीजल ले, ले लेंगे अगेन आपसे आप गुड़ान पूछेगा तो आप टैंक नंबर टू सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्वांटिटी आप फिल कर लेंगे हंड्रेड लीटर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग इस पर हमें टैक्स अप्लाई नहीं करना है इस तरीके से सेल इनवाइस हो गई है सेकेंड हम जी वाली लुब्रिकेंट की हम करते हैं एंट्री सेम पार्टी रखना है एब से यहाँ पर आइटम हमें लुब्रिकेंट चूज़ करना है गुडान देखिए टैंक नंबर थ्री से हमें देना है क्वांटिटी हाँ यहाँ पे हंड्रेड लीटर ले लीजिए रेट यहाँ पे टू हंड्रेड टेन के रेट के अकॉर्डिंग हम सेल कर रहे हैं इसके ऊपर हमें आईजीएसटी अप्लाई करना है क्योंकि ये टैक्सेबल है अब देखिए इस पर हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है टैक्स एनालिसिस अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं डिटेल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए ट्वेंटी वन थाउजेंड का इन्वाइस बना था उस पर एटीन एटीन परसेंट टैक्स अप्लाई हुआ है तो इस तरीके से टैक्स वाली इन्वाइस भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो दोनों आइटम को का एक में इन्वाइस बना सकते हैं अगर आप नहीं चाहते सेपरेट सेपरेट इन्वाइस बनाना एक में इन्वाइस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं पार्टी चूज़ कर लीजिए यहाँ से हम पेट्रोल चूज़ करेंगे टैंक नंबर टैंक नंबर वन टेन लीटर हम ले लेते हैं यहाँ पे डीज़ल हम इसी तरीके से डीजल सेलेक्ट कर लेते हैं गोडान हम चूज़ कर लेंगे यहाँ से टैंक नंबर टू से हमें टेन लीटर सेल करना है यहाँ पे आप रेट ले लीजिए सिक्सटी फाइव रुपीज़ यहाँ पे से हम लुब्रिकेंट ले, ले लेंगे गोडान हम टैंक नंबर थ्री से दे रहे हैं क्वान्टिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए टेन टू के रेट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हमें आई अप्लाई करना है आई आप अप्लाई करेंगे देखिए आपने आईजीएसटी अप्लाई किया है तो आईजीएसटी सिर्फ डुब्केट पे से पिक किया है टैक्स एनालिसिस पे आप जाकर डिटेल पे क्लिक कीजिए यहाँ पे देखिए आपको नीचे पेट्रोल एंड डीज़ल पे टैक्स अप्लाई नहीं दिख रहा है बट लुब्रिकेंट पे आपको 18 परसेंट शो हो रहा है तो इस तरीके से आप एक इन्वाइस में भी दोनों तीनों आइटम को बना सकते हैं टैक्स वाली और नॉन टैक्स वाली दोनों वाली आप सपोज कीजिए आप कैश में सेल करना चाहते हैं तो कैश वाली सेल की एंट्री हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं पार्टी नेम की जगह आपको कैश चूज़ करना है और नेम ऑफ आइटम में आप पेट्रोल चूज करेंगे पेट्रोल में चूज़ करते ही देखिए गुड़ान आपसे पूछेगा टैंक नंबर वन से आपको सेल करना है तो टैंक नंबर वन चूज़ कर लीजिए इसी तरीके से डिटे डीजल को आपको लेना है गुड़ान आपको सेलेक्ट करना है टैंक नंबर टू टेन लीटर्स यहाँ पे रेट आप फिल कर लीजिए सिक्सटी फाइव रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग करने हैं आप सेल लुब्रिकेंट भी इसी में हमें करना है सेल अगर एक ही में आप सेल करना चाहते हैं तो इस तरीके से इन्वाइस बना सकते हैं तीनों आइटम की एक में अब इसके ऊपर हमें जो है ये लोकल में हम सेल कर रहे हैं इसलिए सी जी एस टी एन एस जी एस टी अप्लाई होगा इसके ऊपर इस तरीके से देखिए अगर आप चाहते हैं अलग अलग इन्वाइस बनाना चाहते हैं लुब्रिकेंट का अलग और उसका अलग तो कैश वाचर चूज़ कर लीजिए डेट चेंज करके कैश वाचर चूज़ कर लेंगे एंड नेम ऑफ आइटम में हम पेट्रोल चूज़ करेंगे कड़ान आपसे पूछ रहा है टैंक नंबर वन टेन लीटर क्वांटिटी एंड सिक्सटी फाइव रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग डीजल हम चूज़ कर लेंगे गोडान टैंक नंबर टू क्वांटिटी टेन लीटर सिक्सटी फाइव रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो इस तरीके से आप चाहें तो इन दोनों का एक अलग से इन्वाइस बना सकते हैं और लुब्रिकेंट का अलग से इन्वाइस बना सकते हैं अब देखिए है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी सेल करते हैं तो इसके लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड सेल्स नाम से लेजर आप क्रिएट कर लेंगे सनरी डेटर्स के अंदर आप इसको ले लीजिएगा और इस तरीके से क्रेडिट कार्ड सेल के थ्रू आप कर रहे हैं तो जितनी भी सेल आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं उसकी एंट्री आप इस इस तरीके से कर सकते हैं इसके अंडर कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड नाम से लेजर क्रिएट करके फिर यहाँ पे आइटम आप सेलेक्ट कर लीजिए गुड़ान आपसे पूछेगा तो गुड़ान आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे टेन लीटर आपको सिक्सटी फाइव के रेट के अकॉर्डिंग लुब्रिकेंट अगर आप सेल करना चाहें तो लुब्रिकेंट भी आप ले सकते हैं टैंक नंबर थ्री से हम ले लेते हैं यहाँ पर टेन लीटर टू हंड्रेड टेन रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग इस पर हम आई अप्लाई करेंगे सी एंड एस अप्लाई करेंगे इस तरीके से क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप कर रहे हैं सेल तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं आप देखिए कई कई सेल आप करते हैं तो पार्टी लोग आपको पेमेंट करते हैं किसी ऐप के थ्रू पे पे करते हैं और बहुत सारे ऐप के थ्रू पे करते हैं तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऐप क्रिएट नहीं करना है आप एक चाहें तो ऑनलाइन वॉलेट नाम से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं और वो सारी जो आ, पेमेंट होती है उसके अंडर में आ जाएगी आप इसको बैंक अकाउंट के अंडर में रखिएगा ऑनलाइन वॉलेट नाम से लेजर बैंक अकाउंट के अंदर में क्रिएट करके सारे जो ट्रांज़ेक्शन है वो इसमें आ जाएंगे जो भी अगर किसी भीम ऐप होता है पेमेंट ऐप होता है पेटीएम होता है तो उस तरीके से सारी एंट्रीज इसके अंडर में आ जाएंगी इस तरीके से ये वाली एंट्री आप ऑनलाइन वॉलेट नाम से लेजर क्रिएट करके आप इसके अंडर कर सकते हैं सारी वो वाली एंट्री हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की लेजर कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे हम सेल्स करेंगे अब आप देखिए आपको अगर स्टॉक देखना है तो गेट वे ऑफ से एस प्रेस कीजिए यस प्रेस करने के बाद देखिए डीजल का आप अकाउंट देख सकते हैं इनवर्ड इतना हुआ था आउटवर्ड इतना हुआ था और क्लोजिंग बैलेंस इसकी इतनी है इसी तरीके से लुब्रिकेंट का भी आप देख सकते हैं इतना इनवर्ड आउटवर्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस तो स्टॉक भी आप देखना चाहें तो इस तरीके से स्टॉक भी आप देख सकते हैं मंथ के एंड में हम हर स्टॉक आइटम का फिजिकल स्टॉक लेते हैं तो देखिए गेट वे ऑफ डेली से आप एस प्रेस करेंगे पेट्रोल देखिए यहाँ पे हमारे स्टॉक में सेवन फिफ्टी शो हो रहा है बट हम फिज़िकली जब स्टॉक लेते हैं तो वो सेवन हंड्रेड शो होता है तो फिफ्टी लीटर की शॉर्टेज एंट्री हमें पास करनी होगी आप वाउचर पे जाके एफ़ टेन प्रेस करेंगे फ़िजिकल स्टॉक का वाउचर ओपन हो गया है यहाँ पे आप मंथ के एंड का डेट डाल दीजिए नेम ऑफ आइटम में हम पेट्रोल सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपसे गुड़ान पूछेगा तो टैंक नंबर वन डाल दीजिए क्वांटिटी आप यहाँ पे जो भी फ़िजिकली आप वेरिफिकेशन आपको होगा और फ़िजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद जो क्वांटिटी मिलेगी वो आप यहाँ पे फिल करेंगे तो फिजिकली स्टॉक हमें सेवन हंड्रेड लीटर मिला था सेवन हंड्रेड लीटर फिल करेंगे यहाँ पे और इस तरीके सारे आइटम का आप यहाँ पे फिजिकल स्टॉक डाल देंगे चलिए अब हम देखते हैं इसका स्टॉक कितना शो हो रहा है तो आप देखिए पेट्रोल का स्टॉक जो है सेवन हंड्रेड शो हो रहा है पहले यह सेवन हंड्रेड फिफ्टी शो हो रहा था यहाँ पे एंटर प्रेस करके हम देखेंगे डेट चेंज करके हम देखें जो जो फिज़िकल स्टॉक की एंट्री हमने पास की थी फिफ्टी लीटर्स की वो यहाँ पे शो हो रही है तो इस तरीके से इसका जो क्लोजिंग बैलेंस देखिए पहले सेवन फिफ्टी था फिफ्टी लीटर का हमने फ़िज़िकल स्टॉक की एंट्री पास की अब देखिए यहाँ पे सेवन हंड्रेड फ्रेश हमें फ़िज़िकल स्टॉक शो हो रहा तो इसके बाद हमारा आ, जो देखिए फिफ्टी लीटर का जो लॉस हुआ है ये लॉस हम किस कवर करेंगे उस कंपनी से कवर करेंगे जिस कंपनी से हमने परचेस किया है जो यहाँ पे हम यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे डेबिट हम किसको करेंगे डेबिट हम उस पार्टी को करेंगे जिस पार्टी से हमने परचेस किया है अब इसका हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं फिफ्टी लीटर्स का हम हमें लॉस हुआ था तो सेवेंटी कितने रेट से हमने परचेस किया था उससे सेवेंटी रेट से परचेस किया तो थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ डेबिट करेंगे हम पार्टी को नीव रेफरेंस के अंदर में ले लेंगे और क्रेडिट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर हम एल्ट सी प्रेस करके इंसेंटिव का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और ये अंडर आएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में क्योंकि ये हमारी इनकम हो रही है हमारा रिवर्स हो रहा है तो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम के अंडर में आएगी नरेशन आप टाइप कर सकते हैं कि फिफ्टी लीटर्स का शॉर्टेज की वजह से जो भी है रिकवरी आप कर रहे हैं तो उस तरीके से आपको डाल सकते हैं बैलेंस शीट में आप जाके इसका इफेक्ट देख सकते हैं बैलेंस शीट में आप जाइए और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट इनकम में आपको थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ शो हो रहा है जो कि हमें पार्टी से कवर करना है फिफ्टी फिफ्टी लीटर का जो हमें लॉस हुआ था उसके अगेंस्ट हमें ये थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ का इनकम यहाँ पे शो हो रहा है इस तरीके से आप जी एस वन में भी जाके इसका रिपोर्ट देख सकते हैं डी ओ जी प्रेस करके डेट चेंज करेंगे यहाँ से और देखिए सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है एक ही एंट्री है जो हमने क्रेडिट में क्रेडिट में हमने पास सेल किया था वो एंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा वहाँ मैं अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ से जाकर वॉचआउट भी कर सकते हैं आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मचाइएगा थैंक यू